दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट 90% मार्क्स इन 2018 एग्जाम। क्योंकि अब टाइम भी कम है और मैंने बहुत सारी ऐसी स्टडी करी है और मैं खुद एक टीचर रहा हूं, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। तो उन सब बेसिस पे आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अभी से लेके एग्जामिनेशन तक में किस तरीके से अपना प्रिपरेशन टाइम शेड्यूल बनाएंगे जिससे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आप सभी का महत्मज टेक्निकल में। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है डिफीट योरसेल्फ। हर स्टूडेंट के साथ ऐसा है कि उसके फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, प्री बोर्ड में, किसी में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो हमेशा अपने आप को कोसता है कि भाई शायद ना ले आ पाऊं। तो अब एक छोटा सा क्विज गेम खेलिए कि अपने माइंड में जो अभी आप हैं प्रेजेंट और जो आपके साथ पास्ट हुआ है, दोनों को लीजिए और दोनों के साथ एक लड़ाई करवाइए, देखिए कि कौन जीतता है। आई एम श्योर कि प्रेजेंट जीतेगा आपका, और नहीं भी जीतेगा तो किसी भी तरीके से आप जीत जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई सडनली आके आपको धमका जाता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते। उसके जाने के बाद उस सिचुएशन को 10 तरीके से अपने माइंड में लेते हैं और 10 बार अपने आप को जीत देते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट में रखिए और दोनों की लड़ाई करवाइए, देखिए कौन जीतता है। और दोस्त, छोड़ दो ये 50 और 60 के टारगेट की भगवान 60 ही दिलवा दे। अब यार, मम्मी ने कहा था बस 60 ले आ तू, आईफोन तो पक्के हैं। छोड़ो ये टारगेट्स, हमेशा अपने आप से ज्यादा का टारगेट रखो। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो कोई गलत नहीं है कि हमेशा 100 का टारगेट रखो, 90 तो आ ही जाएंगे भाई, एक बार रख के तो देखो। अब दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए अपने सिलेबस बुक के अकॉर्डिंग। कि जितने भी आपके पास बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या फिर किसी रिफ्रेशर का हो, कोई सी भी बुक अगर आपके पास है, अगर आपने उसे पूरा पढ़ा है तो भरोसा करिए उस पर। हमेशा ये वर्ड मत बोलिए कि यार पेपर में तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। कभी कभी ना हम एक्सक्यूज भी बहुत देते हैं और इस एक्सक्यूज के चक्कर में दूसरे को तो छोड़ो, अपने आप को भी समझा लेते हैं कि हाँ यार पेपर में तो सारा कुछ बुक से बाहर से ही आता है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक या दो, जो आपने उस बुक में नहीं पढ़ पाए, किसी और रिफ्रेशर की बुक में होगा और वो पेपर में आ गया। 98% मैं गारंटी देके कहता हूं कि 98% क्वेश्चंस बुक से ही आते हैं। 1% बुक का मतलब कि उस बुक में नहीं था, सेम क्वेश्चन अदर बुक से था। अब दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि बी केयरफुल विद योर वीक पॉइंट। हमारे साथ पता है क्या है, हम हमेशा ना अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, कभी उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करते। अरे दूसरों के सामने छोड़ो, खुद के सामने रही रखते हैं। तो आज से हमेशा ही करिए कि जो लास्ट एग्जामिनेशन आपने दिया था उसमें जाके पेपर चेक करिए कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी, किस किस क्वेश्चंस में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा चैप्टर जो हमें आता कम हो, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन नहीं, उस चैप्टर को पढ़ना है पहले। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमें आंसर शीट नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, खुद से एक नया टेस्ट दीजिए, देखिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर देखिए कि पूरी बुक में ऐसा कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं सही से कवर नहीं कर पा रहा हूं। उसे अपने स्ट्रॉन्ग स्टडी आर्ट्स में, मींस कि जिस टाइम आपका पढ़ने में सबसे ज्यादा मन लगता है, उस टाइम उस चैप्टर को पढ़िए। और नेक्स्ट आता है दोस्त, टाइम मैनेजमेंट। सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड है, हर बंदे का टाइम मैनेजमेंट हो ही जाता है, चाहे आप टाइम टेबल बनाए या ना बनाए, दिन तो निकलता ही है ना, और टाइम मैनेज हो ही जाता है, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी एक घंटा लेट, कभी एक घंटा पहले, हो तो जाता ही है। लेकिन कब, अगर आप एग्जामिनेशन से ये काम 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने पहले भी करते तो चलता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन में गिन के, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 40 दिन, फिर 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन, ऐसे टाइम निकल जाएगा। इस ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस टाइम पे अगर आपने इफेक्टिव स्टडी नहीं करी कम टाइम में, तो समझ लीजिए ये टाइम आपके मार्क्स को कट करता जा रहा है। एक दिन एक नंबर के बराबर है मेरे भाई, और ये रियलिटी है, मानिए इस चीज को। बढ़िया सा टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप 7 से तो 15 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, जितना आप कर सके उतना बनाइए, उसको फॉलोअप करिए, हो जाए तो 3 दिन बाद थोड़ा और बढ़ा लीजिए। दोस्त, बात को समझिए, नहीं तो वो कहते हैं ना कि जब चलता हूं तो कोई पूछता नहीं है, और रुक जाऊंगा तो ये रौंद कर चले जाएंगे, इसलिए समय का सही इस्तेमाल जरूर करिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट है कि सॉल्व योर प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स। अब होता क्या है हमारे साथ कि सिलेबस चेंज होता रहा, लास्ट 2 साल पहले कुछ चैप्टर्स थे, अब उसके ये टॉपिक्स कट कट गए,
तो क्वेश्चन में वो चीजें रिपीट हो जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट 3 ईयर्स के पेपर करिए, साथ में आजकल मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, वो डिपेंड ऑन योर टीचर, आप उनसे बात कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप वो सैंपल पेपर लीजिए। उनमें बहुत सारे सॉल्व अनसॉल्व सेट्स हैं, उसे टाइम के अकॉर्डिंग जरूर करिए। हर दिन का एक टारगेट हो कि आज 12 से 3 या 6 से 9 मुझे ये सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। टाइम मैनेजमेंट, कितने क्वेश्चन कवर हो पाए, अरे भैया राइटिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है, उसे भी रखिए उस चीज में। साइकोलॉजिकल टीचर के माइंड में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो, सिवाय इसके कि अब राइटिंग के मार्क्स वाला झंझट नहीं है, ऐसा मत करिए। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि इस टाइम ना आपको चिड़चिड़ापन बहुत आएगा अपने माइंड में कि अब यार क्या चल रहा है, आप अपने घर में सही से बात नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। कितना भी समझाऊं लेकिन ऐसे स्ट्रेस माइंड में आ जाते हैं। 2 दिन बाद टेस्ट पेपर्स हैं तो आपका माइंड ऑफ रहेगा, मन करेगा बस ये 2 दिन निकाल दूं, 3रे दिन से ना भाई मन लगा के पढ़ूंगा। ये गलती करते हैं, चिड़चिड़ेपन सबको छोड़िए यार, उस 2 दिन को ही सही से पढ़िए, 3रे दिन ही वॉश कर लेना। और वो कहते हैं ना कि हमको एक समय में कदम रखने का जगह भी नहीं मिलता, लेकिन हर एक नया कदम पे हमको नया रास्ता जरूर मिलता है। तो आगे चलो, आपके लिए एक अच्छा सा नया रास्ता इंतजार कर रहा है। और दोस्तों फिर से वही लाइन दोहराना चाहूंगा कि जब तुम सो रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऑनलाइन न्यूज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं असल 24 न्यूज। और दोस्तों कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे DM कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।